अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मंगलवार को बर्लिन में अपने पैक शेड्यूल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा, ये एक सुखद संयोग है। प्रियंका जो हॉलीवुड में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, प्रियंका ने ट्वीट किया, शुक्रिया नरेंद्र मोदी सर अपना समय निकालकर इस सुबह मुझसे मिलने के लिए। क्या सुखद संयोग है कि दोनों एक साथ ही बर्लिन में मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद प्रियंका ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी साझा की। प्रियंका चोपड़ा जो अपनी एक्टिंग और सामाजिक गतिविधि के लिए जानी जाती हैं, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान फ्लोरेंट प्रिंट के साथ सफेद कपड़ों में नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी के दौरे पर हैं। वो सोमवार को अपने 6 दिवसीय यूरोप टूर के लिए बर्लिन पहुंचे। वहीं जर्मनी के बाद मोदी रशिया, स्पेन और फ्रांस जाएंगे। दूसरी तरफ प्रियंका जो बेवॉच से अपने हॉलीवुड डेब्यू की शुरुआत कर रही है, इस फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली राय मिल रही है। बेवॉच जिसमें ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रन का अहम किरदार है, ये फिल्म 2 जून को भारत में रिलीज होने के लिए तैयार है। बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई के एक दिन बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम का पद संभालने के बाद वह पहली बार रामलला के दरबार में पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे और सरयू में स्नान भी करेंगे। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश मंगलवार को दिए। आरोप आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत किए जाएंगे। आरोपियों को हालांकि निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। शियोमी आज दोपहर 12 बजे से रेडमी नोट 4 की फ्लैश सेल्स शुरू करेगी। आज की सेल में भी कंपनी इसका मैट ब्लैक कलर सेल करेगी। इसमें कंपनी रेडमी नोट 4 के 3 मॉडल सेल करेगी। इस फोन को एक्सक्लूसिव तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट और MI.com से खरीदा जा सकता है। मवेशियों की खरीद फरोख्त के संबंध में केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए पशु बाजारों में बेचे गए मवेशियों के वध किए जाने पर रोक लगाने की घोषणा की थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को केनिंगटन ओवल मैदान पर हुए चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 240 रनों से करारी मात दे दी। बांग्लादेश महज 84 रन पर ही सिमट गई। उमेश और भुवनेश्वर ने जहां कसी हुई गेंदबाजी की, वहीं दिनेश कार्तिक ने सर्वाधिक 94 रनों की पारी खेली।